देखिए बिहार में लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षकों को लेकर नया नया फरमान जारी करते हैं। ऐसे में नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर एक बड़ा आदेश, बड़ा निर्देश जो है के पाठक ने जारी कर दिया है। ऐसे में जिस तरीके से सुबह के नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसको देखते हुए जिसका मुख्य उद्देश्य जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा हुआ है, प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को यह सिखाया जाता है कि वे कक्षा का संचालन कैसे करेंगे, कैसे बच्चों से समन्वय बनाकर रखेंगे, बच्चों में कौशल विकास को विकसित करना शिक्षक की ही प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, ऐसा बताया जाता है। यह तभी संभव है जब शिक्षक खुद प्रशिक्षित होंगे। ऐसे में देखा जाए तो इसको देखते हुए करीब सभी शिक्षक प्रशिक्षित संस्थानों डाइट में 25 मार्च से प्रशिक्षण शुरू है। इसको देखते हुए जो 30 मार्च तक चलेगा, यानी 6 दिनों तक प्रशिक्षण चलेगा। ऐसे में इस प्रशिक्षण में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक को शामिल किया गया है। ऐसे में इसको देखते हुए हालांकि इसमें वैसे शिक्षक ही भाग ले रहे हैं जिन्होंने कक्षा 1, 2 और 3, 5 का प्रशिक्षण पूर्व में नहीं लिया हो। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना ने कहीं ना कहीं DPO स्थापना और डायट के प्राचार्यों को देखते हुए पत्र भेज कहा है कि इस प्रशिक्षण में शामिल सभी शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, यानी पुरुष शिक्षक पैंट शर्ट और टाई में रहेंगे, जबकि शिक्षिका को सलवार कुर्ता अथवा साड़ी में प्रशिक्षण में शामिल होने को कहा गया है। PT और योग सत्र के दौरान जो है उजला शर्ट और पैंट निर्धारित किया गया है। इस बीच परिषद के निर्देशक ने डाइट के प्राचार्यों को भेजे ताजा पत्र में कहा है कि प्रशिक्षण के लिए DO की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसकी सूची डाइट को भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसको देखते हुए निर्देशक को यह खबर मिली है कि कुछ शिक्षक निर्धारित प्रशिक्षण स्थल पर योगदान नहीं कर सके हैं। ऐसे शिक्षकों का 1 सप्ताह का वेतन कटौती करने के लिए कहीं ना कहीं DO और DPO स्थापना के अनुसार जो है कहीं ना कहीं अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में 1 हफ्ते का वेतन कहीं ना कहीं कटने की बातें कही गई है। बता दें आपको कि जो ऐसे शिक्षक है जो 1 सप्ताह का वेतन कटौती उनका हो रहा है, और ऐसे में जो योगदान नहीं कर सके हैं उन शिक्षकों का वेतन कटौती हो रहा है। ऐसे में 1 हफ्ते का वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे में 6 दिनों तक कहीं ना कहीं यह प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, और इसको देखते हुए बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया। देखिए लगातार के पाठक का डंडा जो है तमाम अनेक शिक्षकों पर चलते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ के पाठक का जो फरमान है लगातार देखने को बिहार के अनेक जगहों पर मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है 6 दिनों का, इसको देखते हुए ड्रेस कोड निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में जो भी शिक्षक है वो ड्रेस कोड को देखते हुए कहीं ना कहीं ड्रेस पहन के जाएंगे, फॉर्मल अनिवार्य किया गया है। तो वहीं देखा जाए तो महिलाओं को लेकर भी ड्रेस कोड कहीं ना कहीं निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में तमाम शिक्षकों को इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। जो भी शिक्षक नहीं जाएंगे, किसी कारणवश जाने से असक्षम है, उनका 1 हफ्ते का वेतन काटा जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।